जो भी डीसी मोटर्स होती है खिलौने वाली, उसमें ऐसा ही होता है, दो मैग्नेट लगाए होते हैं और बीच में लूप होता है, करंट कैरिंग लूप होता है। तो हमें ये पढ़ना है करंट कैरिंग लूप प्लेज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, प्लेज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग लूप जो है वो कैसी मैग्नेटिक फील्ड में आ गया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आ गया है। कोई डाउट बच्चों? तो छोटी जो मोटर्स होती है हमारी, जो कि डीसी मोटर होती है, खिलौने में लगी हुई होती है, वो कुछ ऐसा ही होता है बच्चों। उसके अंदर करंट कैरिंग कॉइल होती है, साइड में दो परमानेंट मैग्नेट लगे होते हैं। वो जो कॉइल है, जब करंट फ्लो करता है, कॉइल घूमती है, घूमने लग जाती है। और क्यों घूमती है बेसिकली, तो एक्चुअली क्या होता है, करंट कैरिंग कॉइल जब फील्ड में रखी होती है, यूनिफॉर्म फील्ड में रखी होती है, तो उस पर टॉर्क लगता है। तो हमें इसकी स्टडी करनी होती है, यहाँ पर इसकी डीपली स्टडी करनी है कि कैसे क्या हो रहा है, पूरी इसके बारे में स्टडी करना है। तो मान लो बच्चों, एक हम लोग फिगर देख लेते हैं। ये हमारी कॉइल है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म फील्ड में रखी हुई है। इसकी दो कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। एक तो मान लो ऐसे रखी हुई है, ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है, हमेशा ऐसी तो रहेगी नहीं, कभी कभी टिल्टेड भी रहेगी, वो थोड़ी घूम भी जाएगी। मतलब ऐसे, ऐसे दिख रहा है बच्चों, जब घूमेगी। यस सर। ऐसे, तो दोनों केस में हम कंसीडर करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे दोनों केस के हिसाब से। ठीक है बच्चों, तो नाम दे देते हो बच्चों, ए बी सी डी। ए बी कॉइल दोनों सेम है, बस यही है कि घूम गई तो सेकंड ओरिएंटेशन में दिखा दिया हमने, समझे बच्चों? घूमती तो रहेगी ना कॉइल अपनी जगह पर, रोटेशन तो उसका होगा ही होगा। तो अब रही बात बच्चों टॉर्क निकालना, हमें कितना टॉर्क लग रहा होगा, तो टॉर्क के लिए फोर्स निकालना पड़ेगा हमें। ए बी आर्म पे मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि इसमें अगर आप करोगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट ले लो, और डायरेक्शन ऑफ करंट लेने के बाद जब आप ए बी पे और सी डी पे फोर्स निकालोगे तो इक्वल अपोजिट आएगा। कोई बच्चा बताएगा फिलहाल इस फिगर में ए बी पे किधर फोर्स लगेगा? बोलो बच्चा, अपवर्ड ही लगेगा। अच्छा, फर्स्ट फिगर में एबी पे कितना फोर्स लग रहा है, और सेकंड से वही बताओ, फर्स्ट सेकंड फिगर में, फर्स्ट फिगर में एबी पे फोर्स लगेगा भी नहीं लगेगा? नहीं लेगा सर, फर्स्ट क्यों बताओ अच्छा, क्यों में तो नहीं लेगा सर, जब फर्स्ट फिगर में दोनों क्यों का नहीं लगेगा? क्रॉस करेंगे जब तो सेम ही दोनों वो है, सेम डायरेक्शन में ना सर, सेम डायरेक्शन में। कैसे कैसे देखो, चेक करंट भी राइट साइड जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी राइट साइड जा रही है। जब राइट साइड जा रही है सर। आई एल बी साइन थीटा करोगे तो साइन जीरो हो जाएगा, बट खैर हमेशा ऐसा नहीं होता है कि फोर्स जीरो हो, क्योंकि वो जब घूमेगा तो कुछ एंगल भी बनेगा, जैसे कि सेकंड फिगर में देखो, सेकंड फिगर में ठीक है कुछ एंगल होगा। बट खैर हमें बच्चों ए बी के चक्कर में और सी डी के चक्कर में पढ़ना नहीं होता है, आपको डेरिवेशन भी आए ना, तो आपको इतनी सी चीज बहुत अच्छे से पता है कि ए बी पे अगर मान लो ऊपर फोर्स लग रहा है तो सी डी पे किधर फोर्स लगेगा, नीचे फोर्स लगेगा, और इन दोनों के फोर्स इक्वल और अपोजिट ही होंगे, और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो आपको डिटेल कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको मैथमेटिकली मैग्नीट्यूड दिखाना भी है इसका, तो आप लूप को कम से कम लेबल कर दो। लेबल करने का मतलब क्या है, लूप की लेंथ और ब्रेथ ले लो। लेंथ मान लो एल हो गई, ब्रेथ
और ब्रेथ मान लो क्या होगी, ये हो गई ब्रेथ बी, चौड़ाई लंबाई और चौड़ाई। तो लेबलिंग करके हमने लेंथ और ब्रेथ ले ली, तो हमें वैसे ही पता है कि ए बी पे और जो सी डी पे जो फोर्स होगा बराबर होगा, कितना होगा, आई एल बी साइन थीटा। समझे बच्चों या नहीं समझे? ठीक है, बट जब वैल्यू पुट करोगे तो आई एल की जगह बी स्मॉल बी आ जाएगा। कोई बच्चा बताएगा स्मॉल बी लेंथ की जगह हमने स्मॉल बी क्यों पुट कर दिया? ब्रेथ है ना उसकी, उसकी लंबाई जो सी डी आर्म है या ए बी आर्म की जो लेंथ है उसको हमने बी मान रखा है, लेंथ को ही हमने बी मान रखा है। देखो बी ले रखा है लेंथ को हमने, तो इससे आ गया। और हमको पता है कि यहाँ पर ए बी और सी डी इक्वल अपोजिट है, तो उसकी कहानी वैसे खत्म ही है क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल ईच अदर, तो इसका हमारा कोई लेना देना नहीं है। कोई डाउट बच्चों इससे एसोसिएटेड बोलो, कोई कोई डाउट इससे एसोसिएटेड बोलो भाई, बोलो सर। अब हमारा लेना देना किससे है? हमारा लेना देना है एडी से और बीसी से, वर्टिकल, जो वर्टिकल आर्म्स है। तो फोर्स हमें निकालना है ऑन एडी, तो जैसे निकालते हैं फोर्स ऑन एडी तो क्या हो जाता है, फोर्स क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, अच्छे, तो आई आई हो गया, लेंथ तो यहाँ एल ही दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड बी हो गई। साइन थीटा, थीटा कितना होगा एडी के केस में या फिर बीसी के केस में, एंगल कितना लिया सर? 90। कैसे बताओ अच्छी, परपेंडिकुलर हो रहा है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे कैसे देखो, फील्ड राइट साइड जा रही है, ये लेंथ जैसे करंट ऊपर जा रहा है और फील्ड राइट साइड जा रही है, ऐसे ये राइट साइड जा रही है, एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बच्चों? बोलो, ये जो एंगल होता है किस किस के बीच का होता है, फील्ड का और करंट, करंट के बीच का, दोनों 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। समझे नहीं समझे? भैया आम ही गायब हो गई। ठीक है, क्या यस सर समझ गए, क्या ये एंगल हमेशा सेम रह रहा है या चेंज हो जा रहा है घूमने पे, चेंज हो जा रहा है? क्या ये सेकंड फिगर में भी 90 डिग्री ही है? नो सर, 90 डिग्री है यार, क्या बात कर रहे हो? यस सर, यस सर। कैसे बताओ सर, वो एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस देखो ना, ये 90 डिग्री तो है हमेशा। तो चाहे जैसे एडी पे निकाला तो साइन 90 हो गया, साइन 91 हो गया, चाहे एडी आर्म पे फोर्स निकालोगे या फिर एडी के अलावा दूसरी आर्म कितनी है, कैसी है, बीसी, उस पे भी मैग्नीट्यूड सेम ही बैठेगा। चाहे बीसी पे निकालो चाहे एडी पे निकालो, दोनों पे जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, आईएलबी आएगा। कोई डाउट बोलो? नो सर। ठीक है, बट अब मामला ये है, क्या है यहाँ टॉर्क होगा या नहीं होगा, टॉर्क होना है ना, टॉर्क होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना होगा। देखो टॉर्क में दो फोर्स तो वैसे ही गायब हो गए, जो ए बी और सी डी वाला फोर्स था ऊपर नीचे वाला, तो खत्म, ऐसे ही खत्म हो गया। अब ए डी और बी सी के फोर्स के से टॉर्क का पता कैसे लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, बताओ अच्छे, क्या क्या हमें, हमें कैसे पता लगेगा टॉर्क लगना लगेगा नहीं लगेगा? पहली वाली फिगर में नहीं लगेगा, दूसरी वाली में। क्या बोल रहे अच्छे, बोलो बोलो। पहली वाली में नहीं लगेगा टॉर्क, दूसरी वाली में, मतलब समझ नहीं आया, पहली वाली दूसरी वाली, मतलब सर पहले वाले में टॉर्क नहीं होगा, दूसरे वाले में होगा, पहले वाली फिगर में नहीं होगा, फर्स्ट फिगर में नहीं होगा। देखो जो मामला ये नहीं है, मामला सिर्फ इतना सा है कि टॉर्क होना या ना होना इससे डिपेंड करता है कि फोर्स एंड रेडियस। देखो टॉर्क का फॉर्मूला देखो पहले आप लोग, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर एफ साइन फाई, तो फाई जो होता है वो रेडियस एंड फोर्स के बीच का एंगल होता है। तो आप ये देखो कहीं रेडियस और फोर्स के बीच का एंगल हमेशा जीरो तो नहीं है, मतलब अगर मान लेते हैं ये एंगल अगर ऑलवेज जीरो आ जाता है, जीरो आ जाए, तो इसका मतलब कि किसी भी ओरिएंटेशन में लूप को कैसा भी रखा जाए कभी भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा और कभी नहीं घूम पाएगा लूप। बट एक्चुअली क्या है कि देखते हैं जो क्या सिचुएशन है, तो जैसे यही हमारी फर्स्ट कन्फिग्रेशन है, फर्स्ट कन्फिग्रेशन दिख रही है बच्चों आप लोगों को, तो फर्स्ट कन्फिग्रेशन में मुझे आप एक किसी चीज बताओ, एडी पे फोर्स की डायरेक्शन क्या, कहाँ लग रही है एडी पे इस टाइम पर सर?
इनवर्ट पक्का बच्चे देख लो सर कैसे निकाला आपने सर हाथों का खेल सर हाथों से आउटसाइड ही होगी राइट हैंड पाम रूल राइट हैंड थंब रूल जो भी है अच्छे ये कर सकते हो तो करंट क्या है जे में और ओ सॉरी मैग्नेटिक फील्ड किधर है मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड है मतलब आई आई कैप जे क्रॉस आई क्या होता है के कैप माइनस के कैप देखो आई जे के यस माइनस के माइनस के माइनस के मतलब कि इनसाइड इनसाइड तो फोर्स इनसाइड लग रहा है ये अच्छा फोर्स फोर्स इनसाइड लग रहा है और रेडियस किधर है ये रेडियस है कितना एंगल बन रहा है रेडियस और फोर्स में बताना 0 90 क्या बात कर रहे हो बच्चे 0 कैसे 90 सर 90 ये फोर्स इनसाइड है और ये ऐसे है तो ना परपेंडिकुलर हुआ ना एक इनसाइड हुआ और एक इन द प्लेन हुआ एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो इसका मतलब टॉर्क लगेगा टॉर्क जरूर लगेगा इस टाइम पे भी टॉर्क लग रहा है फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में भी टॉर्क लग रहा है और टॉर्क अगर निकालना ही है तो यह टॉर्क नहीं कपल लगेगा कोई बच्चा बताएगा कपल और टॉर्क सिंपल टॉर्क और कपल में क्या फर्क होता है टॉर्क की तो कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से लगता है तो बच्चे अगर एक आर्म पे सिर्फ टॉर्क लग रहा हो तो उसको टॉर्क बोलेंगे अगर दोनों आर्म पे दोनों आर्म एक ही डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करें जैसे ये अंदर अंदर की तरफ घुमा रहा है ये बाहर की तरफ घुमा रहा है दोनों एक दूसरे की रोटेशन को सपोर्ट कर रहे हैं जैसे कैप पे होता है दो दो टॉर्क लग रहे हो एक साथ इक्वल और इक्वल तो उसे कपल कह देते हैं जैसे ढक्कन खोलते हैं हम लोग तो ढक्कन खोलने में ढक्कन का टॉप व्यू है ये तो उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं एक फोर्स उधर लगा रहे एक फोर्स उधर लगा रहे तो यहाँ दो दो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे तो यहाँ कपल प्रोड्यूस हो रहा है प्रथम आपकी क्लास तो नहीं अच्छे नहीं है सर ठीक है तो यहाँ कपल प्रोड्यूस हो रहा है तो कपल में क्या होता है कि एक का टॉर्क को दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं नेट टॉर्क टू टाइम्स लग रहा है क्योंकि दोनों आर्म घुमा दोनों आर्म पे टॉर्क लगेगा दोनों आर्म घूमेंगी दोनों आर्म घूमेंगी जैसे कि डाइपोल के केस में हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में तो यहाँ पे भी कपल प्रोड्यूस होता है सिर्फ सिंगल टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो टॉर्क अप टू टॉर्क क्या होता है बच्चों आर एफ साइन फाई किसी को कोई डाउट अब यहाँ पर आर क्या है रेडियस है कोई बच्चा बताएगा कि इस लूप को देख के क्या रेडियस लग रहा है फर्स्ट फिगर को देख के बताओ बच्चे रेडियस कितना है रोटेशन का रेडियस ऑफ रोटेशन कितना है V by 2 ये है रेडियस ऑफ रोटेशन देख रहे हो बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन से किनारे तक का डिस्टेंस ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना ये पूरा B का हाफ क्या है V by 2 समझ में आ रहा है बच्चों ये रेडियस ऑफ रोटेशन है ये रेडियस हो गया तो पुट करना चालू कर दो 2 की जगह 2 आ गया रेडियस हो गया V by 2 फोर्स किधर कितना लग रहा है आई एल वी साइन फाई की जगह साइन फाई आ गया ये नेट टॉर्क हो गया सिंप्लीफाई करें बच्चों क्या करें सिंप्लीफिकेशन में कैसे कर सकते हैं बताओ क्या करें बोलो 2 से 2 काट दें ठीक है आई को पहले लिख देते हैं एल को बाद में और बी को बाद में और ऐसे लिख देते हैं ऐसे मैंने इसलिए लिखा ताकि लेंथ और ब्रेथ ताकि ये लेंथ और ब्रेथ एरिया ऑफ लूप हो जाए एरिया ऑफ लूप होता है लेंथ इनटू ब्रेथ क्योंकि स्मॉल एल लेंथ है और स्मॉल बी ब्रेथ है इससे ये एरिया ऑफ लूप हो जाएगा नेट टॉर्क क्या आ जाएगा बच्चों आई ए बी साइन फाई ये तब कंडीशन है जब लूप के अंदर सिंगल टर्न हो बट ऐसा नहीं होता है जब हम लोग मोटर वगैरह में टर्न्स बांधते हैं तो ज्यादा टर्न्स बांधते हैं हम एन नंबर ऑफ टर्न्स यूज करते हैं सर आईए एम नहीं होता बताते हैं बच्चे बताते हैं आपको बताते हैं रुक जाओ ठीक है तो अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतने टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ये हो जाएगा एन आई ए बी साइन फाई कोई डाउट किसी बच्चे को बोलो भाई कोई डाउट किसी बच्चे को हेलो नो सर नमस्कार यहाँ तक समझ में आ गया अच्छो अब मुझे एक चीज पूछनी है देखो जो बहुत ध्यान से समझना
हमारे पास जो मोटर होती है बच्चों की, जो कि छोटी मोटर होती है, खिलौने में लगी होती है, जब वो मोटर में जो कॉइल घूम रही है, क्या उसको यूनिफॉर्म टॉर्क मिलता है हर पॉइंट पे, या फिर उसका टॉर्क चेंज होता रहता है? बोलो। चेंज कर सकते हैं। नहीं नहीं, क्या हर एंगल पे उसका टॉर्क, मतलब जब वो घूम रहा है तो टॉर्क हमेशा सेम रहेगा या चेंज होता रहेगा टॉर्क? हो भी सकता है। देखो अच्छे, एक्चुअली क्या होता है, जब कॉइल घूमती रहती है तो फाई एंगल चेंज होता रहता है, ध्यान रखना, ये फाई एंगल चेंज होता रहता है, तो नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क मिलता है उसको, नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क, यूनिफॉर्म टॉर्क नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि हर पॉइंट पे सेम टॉर्क लग रहा हो, हर एंगल पे सेम टॉर्क लग रहा हो, एंगल ओरिएंटेशन चेंज होती रहती है बार बार। कॉइल घूमेगी तो उसका एंगल चेंज होता रहेगा कंटिन्यूसली। खैर बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसके बारे में आपको और बताएंगे। तो आज तक, आज का बच्चों यहाँ तक पढ़ लिया हमने, किसी को कोई डाउट तो नहीं? बच्चों बताओ, बोलो भाई। हेलो, देखो अच्छी ये नोट्स। हाँ सर। देखो बच्चों, जाने से पहले एक चीज जरूर बोलनी है। देखो सिचुएशन जैसे भी हो बच्चों, थोड़ा पढ़ाई में मन लगा, मुझे लगता नहीं है आप लोग